उत्तर प्रदेश के देवरिया में सलेमपुर से बीजेपी विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग की गई, लेकिन इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गाड़ी में विधायक समेत सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। इस घटना में स्कॉर्पियो के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत सभी आला अधिकारी आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। पुलिस देर रात से करीब एक दर्जन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह घटना सलेमपुर कोतवाली के परान छपरा गांव के पास हुई है। दरअसल सलेमपुर से भाजपा विधायक काली प्रसाद चकरवा बहोर से रविंद्र श्रीवास्तव के घर से दीपावली की शुभकामनाएं देकर वापस लौट रहे थे। रात के करीब 8 बज रहे थे कि परान छपरा के पास लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन करने एक जुलूस जा रहा था। एक ट्रैक्टर और उसमें दो ट्राली पीछे जुड़ी थी। विधायक ने बताया कि पहले तो वे काफी देर तक वह पीछे चलते रहे और जब आगे हुए तो उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से फायर कर दी। संयोग था कि वह किनारे बैठे थे और उनका भतीजा भी किनारे था, इसलिए बच गए। विधायक ने बताया कि किसी से उनकी कोई रंजिश नहीं है। न्यूज़ डेस्क।